अभी तो ये संस्कार था, शिष्टाचार था, आप जानते हैं जब आता हूँ तो यहाँ तो आता ही हूँ, बिकॉज तो मेरे पुराने फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड के बच्चे हैं, बिल्कुल अपने घर के ही हैं, और तेजस्वी का छाप चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, तेजस्वी इतना अच्छा कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और तेजस्वी को तो मैंने कहा है कि बिहार का चेहरा दिखता है मुझको, बहुत ही उज्ज्वल भविष्य दिखता है तेजस्वी का, लेकिन उसके साथ साथ पूरा परिवार जैसे पूरे फैमिली का बैकबोन राबड़ी जी हैं कि और दूसरे परिवार के लोग हैं, बहनें हैं, सारे बहनों भी हैं, सारे लोग जो हैं परिवार के भाई लोग, इन लोगों से हमेशा मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, लोग मुंबई आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, मैं आता हूँ उनके यहाँ, दिल्ली आते हैं तब मुलाकात होती है, और साथ ही साथ मैं जब यहाँ भी जहाँ हो रहे हैं अस्पताल में रहे लाल जी वहाँ मिल गया, और अभी आपको पता है रांची भी कितनी बार गया, पटना में इस बार तो रामनवमी भी मैंने परिवार के साथ ही मनाई थी यहाँ पे, तो इस मामले में तो बहुत अच्छा दिखता है मुझको और सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन हाँ अब ये चुनाव की घड़ी है तो चुनाव की घड़ी में, और चूंकि मैं अभी इन्हीं लोग की वजह से मुख्यतः एक गठबंधन का उम्मीदवार, मैंने कांग्रेस में जो शामिल हुआ हूँ और वो राहुल गांधी जो इतना अच्छा कर रहे हैं, तीन तीन स्टेट को अध्यक्ष बनने के एक साल में ही हासिल किया है, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को, तो जाहिर है कि उनका ये कारनामा या जिस तरह का अंजाम दिया उन्होंने एक साल अध्यक्ष बनने के अंदर, वो बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। हम उनके साथ, राहुल जी के साथ कांग्रेस में जुड़े, इससे भी जुड़े कि एक तरफ तो ये मुख्य धारा की पार्टी है, मैं नेशनल पार्टी से आया है, निकाला गया या छोड़ा हमने, उसके बाद अगर मुख्य धारा इस पार्टी में आया तो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये सही मायने में पार्टी मुख्य धारा की, और साथ ही साथ इस पार्टी का देश के प्रति बहुत ही बलिदान है और ये तो रहा है कांग्रेस पार्टी का। मैं एक देशभक्त होने के नाते, देश का एक सचेत जागरूक नागरिक होने के नाते, मैं यहाँ पे कांग्रेस में इसलिए भेजा कि कांग्रेस ये सीट जो है पटना साहिब की, ये कांग्रेस के कोटे में आती है, और मुझे ये सारा काम जो हुआ है लालू जी की सहमति और अनुमति से हुआ है। लालू जी ने कहा कि आप कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस को मजबूत करो और कांग्रेस के जरिए देश पे अपना और योगदान दे, तरक्की के मामले में। दिल्ली इच्छा थी आपकी कि आरजेडी, अगर आरजेडी के कोटे में होती तो आरजेडी के टिकट से ही चुनाव लड़ते? आप तो सब कही रहे थे इस बात, तो कही रहे थे आप, लेकिन चूंकि हमारे फैमिली फ्रेंड है बहुत मामले में हमसे वो भी राय मशवरा करते हैं, कई लोगों का मानना है कि गठबंधन की मजबूती में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है, आप लोगों ने बताया भी था, कहा भी था, तो लालू जी की पार्टी से तो हमारा, और खासकर लालू जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप हमारे गार्डियन हैं बच्चों के, जिस तरह से आप पार्टी का गार्डियन टाइप के हैं, तो आप, आपका विशेष फर्ज बनता है कि आप सब कुछ खासकर इस हालत में इन हालात आप पार्टी का साथ दें, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता था गठबंधन। यानी आज मैं कांग्रेस पार्टी का जरूर उम्मीदवार हूँ, दावेदार हूँ पटना साहब से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं गठबंधन का साझा उम्मीदवार, यानी गठबंधन का उम्मीदवार, तो हम दोनों को मिलाकर, और जिस तरह आपने कहा क्या स्ट्रेटजी, अभी नहीं, अभी तो आपने आज देखा जिस तरह से रोड शो की बात को भी नहीं हो रही, जनरली मैं रोड शो तो अवॉइड ही करता हूँ कई कारणों से, भीड़ इतनी हो जाती है, कोई बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, किसी को चोट न लगे, कई बार कोशिश करता हूँ। आज सिर्फ ये बन रहा था क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ मैं योगदान दे सकता हूँ और कहाँ कहाँ वो आना चाहेंगे, वो उनको भी बता दूँ पहले, ताकि 48 घंटे 60 घंटे पहले पता चल जाए तो उनके लिए भी सहूलियत रहेगी, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और फॉर्चुनेटली भाग्यवश शायद मेरी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, देश से जगह जगह कोने से अपने देखा, परसों गया गया हुआ था राहुल जी के साथ, तो देश में जगह जगह से डिमांड हो रही है, इसलिए एक दूसरे को जरा पहले बता दें कहाँ है, कितनी सीटें हैं, किसकी किसकी सीट है, कहाँ तक मजबूत है, इसको कहाँ तक हम मजबूती पहुँचा सकते हैं, ये सब बातें हुई हैं और सही मायने में आगे होंगी। लेकिन आज तो सिर्फ महज शिष्टाचार था, मैं आया एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद, सदाकत आश्रम गया पहली बार मैं,